नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान कई दहाइयों से टेंशन रही है। ये जो व्हील ऑफ द पार्ट है ये स्पेशली लेडीज के लिए है क्योंकि कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी फेमस हैं कॉस्मेटिक्स में। सलाम दोस्तों, मैं हूं राशिद शराफत। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हो। इस वक्त हम मौजूद हैं इंसाडोंग स्ट्रीट सोल में, जो कि पॉपुलर है ट्रेडिशनल फूड एंड आइटम्स के लिए। यहां पर आप इनके ट्रेडिशनल कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स और सोविनियर्स और यहाँ पर आप डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर सकते हैं। पर एक बात का ख्याल रखना है, हलाल फूड के लिए आपने या तो अरबिक रेस्टोरेंट्स या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर कई जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तमाम अरबिक और इंडियन रेस्टोरेंट्स मेरे ख्याल से हलाल हैं, वैसे वो सर्टिफाइड एक स्टैंप लगा देते हैं हलाल की, तो आप वहाँ पर आसानी खाना खा सकते हैं। इस स्ट्रीट्स पर आपको कई म्यूजियम्स, ट्रेडिशनल स्टोर्स, टी शॉप्स और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। ये इस वक्त हमारे सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि हलाल फूड जहाँ मिलता है और इसका नाम है निर्वाणा। यहाँ मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान कई दहाइयों से टेंशन रही है और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से अब वो पीसफुल है, जिसके यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एक एरिया भी है जिसको ये DMZ कहते हैं, जो टूरिस्ट के लिए ओपन कर रखा है ताकि वो विज़िट कर सकें। वहाँ पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेटरी डेक बना रखे हैं, टेलीकॉप्स इंस्टॉल कर रखे हैं कि आप नॉर्थ कोरिया को एटलीस्ट फुटबीन के थ्रू आप देख सकते हैं। इतना अरसा ये जंग में रहने के बावजूद इन्होंने अपने आप को जिस तरह रिवाइव किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रमोट किया वो अपने कल्चर को किया, अपने ट्रेडिशंस को किया। आपको यहाँ पर सोल में कई आपको म्यूजियम्स, ट्रेडिशनल आर्ट्स, आपको मार्कर आर्टिस्ट दिखेंगे, मार्कर से स्केच बना रहे होंगे, आपको पेंटिंग्स, आपको आर्ट गैलरीज, बहुत ज़्यादा इधर ये चीज़ मिलती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को खुद को रिवाइव किया, विच इज़ रियली गुड। ये मॉल काफ़ी पॉपुलर है इंसाडोंग स्ट्रीट का, जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पर इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स भी हैं, स्वीट मैं देखता हूँ, अगर मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर हलाल हुई तो मैं ट्राई करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ देयर स्वीट्स आर मेड ऑफ फ्लावर एंड एग्स, तो हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। हेलो, सो द प्राइस इज पर पीस? यस। ओके, सो हाउ मच इज दिस? 2700। ओके, गिव मी 2 पीनट्स, 2 आलमंड्स एंड 2 हेज़लनट। दिस इज गुड। फ्लावर और एग और इस पर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैंने कुछ पीनट्स के, आलमंड्स के और हेज़लनट के लिए। काफ़ी मज़े की स्वीट्स, काफ़ी मज़े की थी और मैंने चंद एक बैग में डाल लिए ताकि मैं घर लेके जा सकूं। तो चलें अब यहां पर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप मल्टी स्टोरी प्लाजा देख रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर है फॉर ट्रेडिशनल आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आर्टिस्ट भी आपको बैठे हुए मिलेंगे, आप लाइव पेंटिंग और स्केचेस बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखते हैं, Korean king dessert outside made by honey. Honey straight chip. Inside almond sesame peanut. Nice flavor and chocolate flavor. Very very delicious. Halal food. Very delicious. 먹어볼래 조금? Thank you. Tea जो है Seoul वो basically 8 बजे रात को बंद हो जाता है, except night markets. तो यहाँ पर जब आप आए और स्पेशली आपने खाने का बहुत ख्याल करना है डिनर के लिए, क्योंकि डिनर मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आखिरी ऑर्डर 9 बजे लेते हैं और 10 बजे वो उनका क्लोजिंग टाइम होता है।
दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओलिव यंग जो कि कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर ब्रांड है जहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो वीलॉग का पार्ट है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है क्योंकि कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं कॉस्मेटिक्स में। कोरियन की स्किन को ग्लास स्किन कहते हैं और यहाँ की जो फेस क्रीम, हैंड्स क्रीम, आई क्रीम और इसमें टोनर, एंटी एजिंग मास्क वो काफ़ी हाई क्वालिटी के यहाँ मिलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कॉस्मेटिक्स परचेज़ करनी हो साउथ कोरिया से तो आप ओलिव यंग से परचेज़ करें क्योंकि लोकल मार्केट में आपको बारगेनिंग करनी होगी और यहाँ पर फिक्स प्राइस होती है। सफोरा से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी चीप है सफोरा की निस्बत। सफोरा में काफ़ी एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदा अगर बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ हो और वो कॉस्मेटिक्स शॉप विज़िट कर रहा हो तो आप दुख समझ सकते हैं। तो बेसिकली मेरे यहाँ आने से पहले मेरी बेगम साहिबा ने एक बड़ी लंबी लिस्ट तैयार करके दे दी थी मुझे कि अगर वापसी आना हो तो ये सारी लिस्ट अपने साथ प्रोडक्ट्स लेके आनी आप। हम तो सादा लोग बंदे होते हैं, हमें तो क्रीम मिले ना मिले, शैम्पू मिले ना मिले, फेस वॉश मिले ना मिले, हम तो एक साबुन से भी गुजारा कर लेते हैं। तो चले अंदर चलते हैं। ये मेरा तीसरा विज़िट है ओलिव यंग पे। दो बार मैंने विज़िट किया, मुझे चंद एक प्रोडक्ट्स मिली, चंद एक नहीं मिली क्योंकि कुछ ब्रांड्स ये नहीं रखते अपने पास। और अब एक फाइनल एक प्रोडक्ट रह गई है, मैं वो लेने आया हूँ, देखते हैं वो मिलती है कि नहीं। Well, this one is collagenite cream. So you are looking for something similar with this one? Yes. तो फ्रेंड्स जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी वो नहीं मिली तो उसके मैंने सिमिलर प्रोडक्ट ले ली है। दिलचस्प बात ये है हम जितने कॉलीग्स हैं यहाँ पर कल सब की एक ही रूटीन थी, काम से वापसी पे हम ओलिव यंग गए और सब अपने अपने बेगमात की जो फरमाइशी कॉस्मेटिक्स है वो हम परचेज़ कर रहे हैं। खैर हमारा इस तरह आज का व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी वापसी दुबई में या किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।